नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा जिले की चांद चौराई तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पंचगांव सोसाइटी में 5 से 10 लाख रुपए का गबन का मामला सामने आया है। इस गबन में सोसाइटी के अध्यक्ष एवं सचिव और कंप्यूटर ऑपरेटर, इन सभी पर फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए सचिव सह सचिव भगत राम रघुवंशी और कंप्यूटर ऑपरेटर को पद से तुरंत निलंबित कर दिया गया है। पर जो सोसाइटी अध्यक्ष थे सारंग रघुवंशी, उन पर कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई। सब पारिवारिक मिलक है और इनने गबन तो बहुत लंबे चौड़ों को नाम बताओ लगभग उसमें किसका नाम सामने आ रहा है? उसमें अध्यक्ष है, ऑपरेटर है, क्या नाम है? नाम उनका अध्यक्ष सारण सिंह है, सचिव भगत राम है, सह सचिव। इन सबके द्वारा वहाँ पर गबन किया गया? हाँ, इन लोगों ने भारी गबन किया है और इसमें कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का गबन है। इसकी और जांच होके पूरी फाइल बनना चाहिए। आपका क्या कहना है कि इसमें मतलब अभी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, उनको अरेस्ट नहीं किया गया है? हाँ, पूरी कार्रवाई नहीं हो पाई है क्योंकि कुछ लोग फिर बाद में जुड़े, उन पर भी कार्रवाई रह गई। वहाँ पे जो सचिव और ऑपरेटर थे तो उनको निलंबित नहीं किया गया? निलंबित हो गए ना, निलंबित कर दिया गया। हाँ, उन पे कानूनी कार्रवाई हो गई। कानूनी कार्रवाई उसमें ऑपरेटर और सचिव को तुरंत निलंबित कर दिया गया और निरस्त कर दिया गया। तो मेरा यही कहना है कि इस प्रकार के जो मामले होते हैं सोसाइटी में और गबन में, इस पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और किसानों का ये कहना है कि किसानों के साथ जो छल और दुर्व्यवहार किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। मैं फास्ट समाचार छिंदवाड़ा से ललित रघुवंशी।